बलि कहलाए जाने वाले मरकट इतने भयभीत हो गए मुझसे, युद्ध का प्रारंभ होने से पूर्व ही समर्पण कर दिया मेरे समक्ष। काका केसरी जी, अब आपके पास और कोई विकल्प शेष नहीं है, निकालिए अपना राज मुकुट और रख दीजिए उसे यहाँ महानतम वाली के चरणों पर। स्वामी, मेरे पुत्र ने इतनी आसानी से पराजय स्वीकार कैसे कर लिया? युद्ध के नियम और उनकी प्रथाओं को वाली अहंकारवश भूल गया है, जिन्हें हनुमान निभा रहा है। युद्ध से पूर्व योद्धा युद्ध भूमि को प्रणाम करता है। तुम में मुझसे युद्ध करने का सामर्थ्य है? तो ये लो। प्रहार से स्वयं की रक्षा करो। हे ईश्वर, हनुमान पहले ही अपनी सारी वरदानी शक्तियां दान कर चुका है। और उसकी शेष शक्तियों में से भी आधी शक्तियां वाली में समाहित हो रही हैं। मेरे पुत्र की रक्षा करना ईश्वर। ईश्वर, इस माँ की ममता की लाज रखना, मेरे पुत्र की रक्षा करना प्रभु। शक्तियाँ उसके पास नहीं है, परंतु द्वंद युद्ध कौशल जो मेरे पिताश्री ने मुझे सिखाया था वो अभी तक हनुमान नहीं भूला। सुग्रीव भैया की पीड़ा बढ़ती जा रही होगी,
मुझे उन्हें वहां से शीघ्र मुक्त करना होगा। हनुमान, वरदानी शक्तियां उसे पृथक हो सकती हैं, परंतु उसके आंतरिक बल से और अपने पिता के सिखाए द्वंद्व युद्ध कौशल से उसे कोई कैसे वंचित कर सकता है? हनुमान का जन्म एक पवित्र कार्य के लिए हुआ है। उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है। संभव है ये बात अब वाली भी समझ जाए और रावण भी। महानतम भाभी, मेरे दिए हुए अस्त्र का प्रयोग करिए। प्रणाम महाराज दशानन। आपके आदेशानुसार मैंने हनुमान की शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। परंतु मात्र एक दिवस के लिए। एक दिवस ही पर्याप्त है। आज उसी वानर बालक की शक्तियों का प्रयोग करके आज रणभूमि में भेजूंगा इस ब्राह्मण को। मैं होगा उस वानर बालक का वध। ये क्या हो रहा है? मेरा मस्तिष्क अनियंत्रित क्यों हो रहा है? असाधारण शक्तियां हैं उस वानर बालक की। उनका ऐसा प्रभाव एक ब्राह्मण को इतना बलशाली बना दिया। लंकेश, ऐसा प्रतीत हो रहा है वरदानी शक्तियां इसने प्राप्त तो कर ली हैं, लेकिन इन वरदानी शक्तियों पर इसका वश नहीं है। लंकेश, इसकी बुद्धि और शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है। मैं तड़प क्यों रहा हूँ? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है मेरे भीतर। रक्षा करो कोई मेरी, रक्षा करो कोई मेरी। Oh!
रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो, रक्षा। रक्षा करो मेरी, मैं तो प्रभु, रक्षा करो मेरी। देवेश्वरी सत्य है, जैसी करनी वैसी भरनी, बुरा करने वाले को बुराई का प्रतिकूल फल ही प्राप्त होगा। इस ब्राह्मण ने रावण का साथ देकर अधर्म का समर्थन किया है, हनुमान की शक्तियां दान में ले ली, परंतु उन शक्तियों को अपने भीतर समाहित करने योग्य शरीर और मस्तिष्क भी होना चाहिए। शक्ति प्राप्त करने के पूर्व स्वयं को उस शक्ति के योग्य बनाना भी आवश्यक है, अन्यथा उस शक्ति से स्वयं की ही हानि होती है। अयोग्य व्यक्ति को प्राप्त हुई शक्ति उसी की ही शत्रु बन जाती है। शीघ्र ही इस ब्राह्मण को बाली की सहायता के लिए युद्ध भूमि में प्रस्तुत करो। उस दुष्ट वानर को परास्त किए बिना मेरी योजना सफल है। वानर बालक, कोई चतुराई कर आपको कठिनाई में डाल सकता है। मेरा यह मायावी अस्त्र स्वीकार करिए। आवश्यकता पड़ते ही आपके हाथ में स्वयं ही प्रस्तुत हो जाएगा। ओ
मेरा अत्यंत विकराल तामस अग्नि अस्त्र है ये। इससे आप मायावी अग्नि, विनाशकारी शूल, भयानक राक्षस, ऐसी घातक शक्तियां उत्पन्न कर उस वानर बालक का वध कर सकते हैं। कहा था लंकेश रावण ने, ये मरकट अवश्य ही कोई ना कोई चाल चलकर स्वयं का बचाव कर लेगा, परंतु अब उस मायावी अस्त्र के प्रयोग का समय आ गया है। हनुमान के लिए तो संकट और बढ़ गया है, वो अपनी समस्त वरदानी शक्तियां दान कर चुका है, परंतु वाली के पास देवराज इंद्र के वरदान के साथ साथ राक्षसों की मायावी शक्ति भी प्राप्त है। अब वो हनुमान पर और घातक प्रहार करेगा। नारायण नारायण। ये क्या, वाली भैया के हाथ में मायावी अस्त्र? प्रहार अच्छा था तुम्हारा मरकट, परंतु इस प्रहार को महानतम वाली की हार समझने की भूल मत करना। हनुमान सामना कैसे करेगा? हनुमान की अपनी शक्तियों में से भी आधी शक्तियाँ वाली को प्राप्त हो चुकी है। हे प्रभु रक्षा कीजिए। अधर्म युद्ध की पराकाष्ठा है ये, कल भी वाली ने असुरों की सहायता ली थी। देखता हूँ
कैसे बचते हो तुम? कितना भी उछल लो मरकट, परंतु आज तुम बच नहीं सकोगे। बस अब बहुत प्रहार कर लिया आपने वाली भैया। वाली भैया अब नष्ट होगा आपका ये मायावी अस्त्र। संभालो इसका वार। शक्तियों के बिना असहाय हो गए हो तुम। अग्नि तुम्हें जला देगी, शूल तुम्हें भेद देंगे, खड़क तुम्हारी देह को विभक्त कर देगी। मायावी शक्ति वरदानों के बिना मेरा हनुमान इन भीषण कपालों की अग्नि का सामना कैसे कर पाएगा? हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, उसे उसकी वरदानी शक्तियां दोबारा प्राप्त हो जाए। लंकेश, उस वानर बालक की वरदानी शक्तियों को संभालने के योग्य नहीं है किसी की देह।
मान और बालक की शक्तियों का लाभ उठाने के लिए भेजा था मैंने इस ब्राह्मण को, किंतु ये कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, सहायता करो हमारी, कोई रक्षा करो, रक्षा करो। ये कैसी दुनिया है, कौन पुकार रहा है मुझे, कौन चिल्ला रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, ये तीव्र ध्वनि मैं सहन नहीं कर सकता। देवेश्वर, हनुमान की शक्तियां पाकर विक्षिप्त से हो गए हैं ये विप्रवर। इन्होंने तो अपने कर्ण भी बंद कर लिए। देवेश्वरी, विशेष शक्तियां उन्हीं को दी जाती हैं जिन्हें विशेष दायित्व निभाने होते हैं। हनुमान के जीवन का मुख्य उद्देश्य संसार के प्राणियों को संकटों से मुक्त कराना है, इसलिए हनुमान को जो शक्तियां प्रदान की गई थी उनमें एक शक्ति ऐसी भी थी जिससे हनुमान संकटग्रस्त व्यक्ति की गुहार को कहीं से भी सुनकर उसे शीघ्र सहायता पहुंचा सके। हनुमान को ऐसी गुहार का बोध हो जाता था, किंतु अधर्मी रावण के सन्निध्य में आने के कारण इन दूषित मन वाले विप्र के लिए ये गुहार मात्र विचलित करने वाली ध्वनि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कौन चिल्ला रहा है, बंद करो ये चिल्लाना, मुझसे नहीं सही जाती है तीव्र ध्वनि, बंद करो चिल्लाना, बंद करो। के? ना जाने किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, मुझे तो कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। बस विप्रवर, बस संभालिए स्वयं को, और जो शक्तियां प्राप्त की हैं उन पर नियंत्रण करिए। बंद करो चिल्लाना। उस वानर बालक को युद्ध में उसी की शक्तियों से परास्त करना है तुम्हें। मोचन महाबली हनुमान, देखो शक्तिहीन हो गया है ये, शीघ्र ही अग्नि इसे भस्म कर देगी। मुझे इस अग्नि के ताप को सहते हुए इन मायावी राक्षसों का नाश करना होगा, अन्यथा वाली भैया जीत गए तो सुग्रीव भैया के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मूर्ख मरकट स्वयं ही मृत्यु के मुख में जा रहा है।
भी बच गया मरकट। वरदानी शक्तियां तो दान कर दी हैं इसने, किंतु इसे जो जन्म से अपनी आंतरिक शक्तियां मिली हैं, उनकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। किंतु मैं ये कैसे भूल गया कि उन शक्तियों में से भी आधी शक्तियां मुझे प्राप्त हो चुकी हैं। देखो मैं कैसे करता हूं तुम्हारा अंत। वाली भैया आप संभालिए मेरा प्रहार। शक्ति भले ही तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकी, परंतु देवराजेंद्र से प्राप्त ये शक्ति अवश्य ही तुम्हारा अंत कर देगी। वरदानी शक्तियों के बिना हनुमान इंद्रदेव द्वारा दिए गए दिव्य कंठ हार की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं वायुदेव, यह हनुमान का युद्ध है, धर्म और अधर्म के मध्य संग्राम है, इसमें आपका हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। किंतु इस प्रकार तो हनुमान की पराजय भी हो सकती है, और वाली हनुमान की पराजय ही नहीं, उसके जीवन का भी अंत करना चाहता है। क्या वाली भैया तो पुनः दिव्य कंठार का प्रयोग कर रहे हैं। देवराज द्वारा दिए गए इस कंठार का सम्मान करते हुए मुझे इसके प्रहार को सहना होगा। हनुमान पुत्र, हम देवताओं के प्रति तुम्हारा आदर प्रशंसनीय है, किंतु पुत्र ये महाघातक शक्ति है, दिव्य शक्तियों के बिना इसका सामना करना तुम्हारे लिए भी सहज नहीं होगा। अब कौन सा नवीन ढोंग कर रहे हो मरकट? इस दिव्य अमोघ शक्ति से भयभीत हो गए? वाली भैया, देवता द्वारा दी गई शक्ति का अनादर नहीं कर सकता मैं। अस्त्र देवताओं का दिव्य अस्त्र हो या राक्षसों का मायावी अस्त्र, इनका आदर इन पर प्रतिवार करके किया जाता है, और यदि तुम इसका वार सहना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा।
कोई नहीं आएगा यहाँ। क्या हुआ मरकट? निकल गए प्राण। यदि अब भी प्राण शेष है तो उठो, जिससे मैं तुम पर अंतिम प्रहार कर सकूं। यदि मेरे हनुमान को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगी। न जाने अब क्या होने वाला है। तुम्हें अपने पिता के वचन को पूर्ण करना है तो उठो, वचन पूर्ण करो, अपने सुग्रीव भैया की रक्षा करो। उठो मरकट, उठो। मुझे अंतिम प्रहार का सुख मिलेगा और दुख मिलेगा तुम्हारे अंत का, तुम्हारी प्रजा को, तुम्हारे परिजन को जो ललायित हो रहे हैं तुम्हारी विजय देखने के लिए। परंतु ना ही तुम अपने पिता का वचन पूर्ण कर सकोगे और ना ही सुग्रीव भैया की रक्षा कर सकोगे। सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ, अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई अहित नहीं कर पाएगा। अच्छा, सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हनुमान ने कुछ निश्चय किया था, किंतु अब कदाचित वो अपने निश्चय से पीछे हट गया है। कहीं ये महारानी जी के दिए वचन के कारण तो नहीं? मेरे पुत्र की ऐसी दशा देखकर तो आपके लिए वचन के कारण ही हुई है। मुझे
मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी अंजना। इसमें आपका कोई दोष नहीं महारानी जी। माँ की ममता मैं भली भांति समझती हूँ, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा पुत्र वही करेगा जो उचित है, जो धर्म और न्याय संगत है। मुझे गर्व है ऐसे पुत्र पर। बहन अंजना, आपके हृदय की व्यथा भी मैं समझ सकती हूँ। आप भले ही मुझे दोष ना दे, किंतु मैं दोषी हूँ। मेरे कारण ही आपका पुत्र हनुमान बार बार संकट में घिर रहा है। वाली के द्वारा किए जाने वाले अन्याय में सहभागी मैं भी हूँ। यदि मैं हनुमान को वचन के बंधन में न बांधती तो नहीं, अब और नहीं, मुझे हनुमान को वचन से मुक्त करना ही होगा। आपको सौगंध है मेरे मस्तक की, आप उस हनुमान मरकट को अपने वचन से मुक्त नहीं करेंगी। काका केसरी जी, रख दीजिए अपना राज मुकुट महानतम वाली के चरणों पर, अन्यथा आपका पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान महानतम वाली के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। रुक जाइए पिताश्री, सब मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। यदि आप मेरी इस युद्ध में सहायता करने आए तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि आपने वाले भैया पर आक्रमण किया तो हम सुग्रीव भैया की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कैसा अभागा पिता हूं मैं, अपने ही पुत्र के द्वारा किए जा रहे अत्याचार का मूक दर्शक बना हुआ हूं मैं। नहीं, अब और नहीं देख सकता मैं ये सब। बाल्य अवस्था से इस मरकट के कारण मेरा अपमान हुआ है माँ। आज मेरी विजय से सारे अपमान भूल जाएंगे। अंतिम क्षण में विजय होने से मत रोकिए अपने पुत्र को माँ। वाली, पुत्र किसे कहते हैं, तुम्हें ज्ञात भी है? पुत्र वो होता है जो अपने कुल का गौरव बने, अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का उद्धार करे। किंतु तुमने क्या किया, अधर्म और अनीति के मार्ग पर चलते रहे। महानतम वाली को प्रवचन मत दीजिए माँ। महानतम नहीं, निम्नतम हो तुम। महान वो होता है जो अपने कर्मों से अपनी तथा अपने माता पिता की कीर्ति पताका को उच्च शिखर तक पहुंचाए। किंतु पुत्र वाले कोई भी लक्षण नहीं है तुम्हें वाली। भूल मेरी ही थी जो पुत्र मोह में अंधी होकर हनुमान को अपने वचन में बांध दिया। किंतु अब मैं इस पाप को और नहीं बढ़ने दूंगी वाली। कोई भूल नहीं की है आपने, आप अपना धर्म निभाइए और हट जाइए मेरे मार्ग से। वाली, माँ का धर्म संतान का हित होता है, किंतु हित साधन अभी भी अधर्म और अन्याय के पथ को अपनाकर नहीं हो सकता। वाली, युद्ध में अधर्म और अन्याय नहीं, विजय सर्वोपरि होती है। और मुझे ज्ञात है कि आप इस मरकट को आप अपने वचन में बंधे रहने देंगी। यह अंतिम प्रहार आपके पुत्र को विजय दिलाने वाला है, इसलिए अब आपका पुत्र नहीं रुकेगा।
नहीं वाली, हट जाइए मेरे मार्ग से माँ, हट जाइए, तुम कुछ नहीं करोगे, हट जाइए मेरे मार्ग से, नहीं वाली, नहीं वाली। नहीं वाली, नहीं। हनुमान, मैं किष्किंधा की महारानी तुम्हें अपने वचन के बंधन से मुक्त करती हूँ। मुक्त कर दिया तुम्हें मरकट, किंतु तुम्हें तो मुक्त करेगा महानतम वाली तुम्हारे जीवन से। वाली को किसी के वचन के बंधन की या वरदानी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। माँ पिताश्री किसी का साथ नहीं चाहिए महानतम वाली को। इस मरकट के लिए महानतम वाली एकाकी ही पर्याप्त है। तुम जिस सुग्रीव की रक्षा करना चाहते हो मरकट, मैं उसी सुग्रीव के नेत्रों के समक्ष तुम्हारा वध करूंगा। दर्पण में बंधक सुग्रीव को प्रस्तुत करो। सुग्रीव भैया। हनुमान, जिसका भय था वही हुआ। हनुमान का आधा बल पाकर वाली भैया अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। सब देखो और सुग्रीव तुम भी देखो। तुम्हारे समक्ष ही तुम्हारे प्रिय मरकट का कैसे अंत करता हूं मैं। नहीं भैया, और उसके पश्चात मेरे इंगित करते ही तुम्हें भी यह मायावी दर्पण पहुंचा देगा यमलोक। मरकट, अब तुम्हारा अंत निश्चित है।
क्या हो गया? तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। वाले भैया, आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु हनुमान को छोड़ दीजिए भैया। कैसे छोड़ दूं इस मरकट को? यही उचित समय है उसका अंत करने का। ज्वालामुखी की भांति भबक रही है उस वानर बालक की शक्तियां इस विप्रवर की तह। बंद करो शांत विप्रवर सांग, मुक्ति चाहिए इन बेड़ियों से। हम जानते हैं उस वानर बालक की असीमित शक्तियां तुम्हारे ध्येय और मस्तिष्क को व्याकुल किए हुए, उन पर नियंत्रण का, इन शक्तियों का उस वानर बालक के विरुद्ध इनका प्रयोग करो, तब जाकर शांति मिलेगी इन शक्तियों को। यदि ये तुम्हें स्वीकार है तो अभी इसी क्षण हम तुम्हें मुक्त करते हैं। तो जाइए, युद्ध भूमि में जाइए और बाली की सहायता करिए। हनुमान को बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है ना तुम दोनों में, तो तुम दोनों का ही वध एक साथ होगा। छोड़ दीजिए हनुमान को, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया। हे प्रभु, कुछ कीजिए, हनुमान को उसकी शक्तियाँ पुनः प्राप्त करवा दीजिए, जिससे वो दुष्ट वाली का सामना कर सके। अंकेश, ये विप्रवर तो अनियंत्रित हो रहे हैं। शांत हो जाओ विप्रवर, इन शक्तियों पर नियंत्रण पाओ। Boss!
समय प्रवर बस इन शक्तियों का प्रयोग उस वानर बालक के विरुद्ध करो और अंत कर दो उसका, अन्यथा हम तुम्हारा अंत कर देंगे स्वयं अपने इन्हीं हाथों से। अब होगा उस वानर बालक का अंत। देवताओं देखो, तुमने वानर बालक को आंसुरों के संहार के लिए जो शक्तियां दी थी, अब उन्हीं शक्तियों से होगा इस वानर बालक का संहार। सुग्रीव भैया पर वार कर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं सुग्रीव भैया। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं अब। उत्तम रावण सर्वोत्तम, अब आएगा आनंद। देवताओं, अब तुम्हारे ही दिए हुए शक्तियों से होगा उस वानर बालक का अंत। अब तो स्वयं देवता भी उधर आए तो भी इस मरकट को नहीं बचा पाएंगे। ये तो वही विप्रवर हैं जिन्हें मैंने वरदानी शक्तियों का दान दिया था। प्रतीत होता है ये हनुमान की दी हुई शक्तियों का प्रयोग हनुमान के विरोध ही करने वाले हैं। अब तुम्हारा अंत निश्चित है मरकट। तुम अपनी ही वरदानी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। ये तो घोर पापाचार। बाली के साथ ये ठोंगी ऋषि भी पापाचार में आकर डूब गए। मेरा हनुमान शक्तिहीन है, कैसे करेगा इनका सामना। पाप नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दो और अपनी शक्तियां वापस ले लो। मैं पापी इन दिव्य वरदानी शक्तियों के योग्य नहीं हूं। दशानन से ही चल।
असुरों के अन्न पर पली हुई कलुषित देह इन दिव्य शक्तियों को संभाल नहीं सकती। यदि तुमने इन्हें वापस नहीं लिया तो मेरा अंत हो जाएगा। इन्हें वापस ले लो हनुमान, इन्हें वापस ले लो। मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? प्रहार करो इस मरकट पर। बस मैं हनुमान से दान में प्राप्त की हुई शक्तियां पुनः हनुमान को लौटाता हूं। असीम शक्ति के सागर विप्र न भर पाए अपने गागर, लौटाते विप्र शक्तियों का भार करते अंजनी सुत का आभार। वाली चित छल का भूचाल निश्चल बजरंग केसरी के लाल, हनुमत लीला है अपरंपार सकल न पावे इससे पार। मरकट, परंतु तुम मेरे कोप से नहीं बच पाओगे। तुम्हारी आधी शक्तियां पुनः मेरे पास वापस आ जाएंगी। सुग्रीव भैया को कुछ नहीं होने दूंगा। पिताश्री का दिया हुआ वचन निभाना है मुझे।
नष्ट हो रहे हैं। मैं ब्रह्मांड को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। अंजना, मैंने ही हनुमान को धर्म युद्ध की शिक्षा दी है कि कभी भी अशक्त पड़े हुए योद्धा पर वार मत करना। हाँ स्वामी, मेरा पुत्र सदैव धर्म और सत्य का ही अनुसरण करता। मुझे गर्व है अपने पुत्र। मरकट, आज तुम्हारा अंत मैं करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी विध्वंस करना पड़े, चाहे मुझे इसके लिए सभी के प्राण भी लेने पड़े, किंतु तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सूर्यास्त होने को है, कहीं वाली भैया कोई बड़ा अनर्थ ना कर दे, इसीलिए इस अंतहीन युद्ध को समाप्त करने के लिए मुझे युक्ति से कार्य करना होगा। हाँ हनुमान, तुम अदृश्य भी हो सकते, 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 तुम अदृश्य भी हो सकते। देवराज इंद्र के द्वारा प्रदान की गई सिद्धि। ये कहाँ अदृश्य हो गया मरकट? ये अदृश्य होने की शक्ति मेरे पास क्यों नहीं? ये वरदानी शक्ति नहीं है वाली भैया। मरकट कहाँ गया? ये क्या हो गया? ये मरकट कहाँ अदृश्य हो गया? मुझे प्राप्त हुई उस मरकट की शक्तियाँ वापस कैसे चली गई? वाली को सामने वाले की आदि शक्ति तभी प्राप्त होती है जब सामने वाला प्रतिद्वंदी प्रत्यक्ष हो, किंतु हनुमान तो अदृश्य है और हनुमान के अदृश्य होने की सिद्धि के समक्ष वाली का वरदान निरर्थक है। ये नहीं हो सकता। तो अब तुम छल युद्ध पर उतर आए हो मरकट, यदि साहस है तो सामना करो मेरा। वाली भैया, छल कैसा? ये तो हनुमान की सिद्धि है जिसका प्रयोग हनुमान कर रहा है। अब अदृश्य होकर भी नहीं बच पाओगे तुम मरकट। Whoa!
शत्रुता नहीं है। आप इस युद्ध को यहीं त्याग कर सुग्रीव भैया को मुक्त कर दीजिए। ये मरकट सोच रहा है कि इसने विजय प्राप्त कर लिया महान दम्बाली पर, परंतु ये मायावी अस्त्र उसे बताएगा कि क्या कर सकता है महान दम्बाली। भैया को बचाना चाहते थे ना, परंतु अब तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस मायावी दर्पण के भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकते। भैया छोड़ दीजिए मुझे। हाँ भैया, भैया छोड़ दीजिए मुझे। भैया छोड़ दूंगा, अवश्य छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, किंतु तब जब ये मरकट मुझे वचन देगा कि वो इस युद्ध में अदृश्य होने वाली शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। बोलो मरकट, देते हो वचन तो मैं तुम्हारे प्रिय सुग्रीव भैया को बंद कर दूं। छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को, मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी अदृश्य होने वाली शक्ति का प्रयोग नहीं करूँगा। तो ये आसुरी अस्त्र ही है मायावी दर्पण से आने जाने का माध्यम। अंततः हनुमान ने सुग्रीव को मुक्त करा ही लिया। सत्य है केसरी जी, हनुमान सबका संकट मोचक है। आए! आए सुग्रीव, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। नहीं वाली भैया, thank you.
वाली भैया जैसे भी हो, परंतु मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ। मेरे नेत्रों के सामने उन्हें कुछ हो जाए ये मैं नहीं देख पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। सुग्रीव जैसा निर्बल मुझ महानतम को बचाए, नहीं अच्छा होता मेरी मृत्यु हो जाती। नहीं, ये अंत नहीं है युद्ध का। भिक्षा में मिला यह जीवन स्वीकार नहीं है महानतम वाली को। संकट मोचन हनुमान की जय। युवराज हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की जय। अर्जुना पुत्र हनुमान की। बंद करो ये जय जयकार। वाली भैया, मैं आपकी पराजय और आप पर प्रहार नहीं करना चाहता था, परंतु आपने ही इस युद्ध के लिए हट किया था। वाली भैया, अब ये क्रोध त्याग दीजिए। युद्ध समाप्त हो चुका है। देखिए, सूर्यदेव अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सुग्रीव भैया भी तो मुक्त हो चुके हैं। सुग्रीव भैया का प्रेम देखिए, आपकी रक्षा करने के प्रयास में इनकी क्या दशा हो गई। हाँ भाई, हनुमान ठीक कह रहा, हम में से कोई भी तुम्हारा अहित नहीं चाहता है पुत्र। बस! हनुमान, तुम्हारे लिए या इन सब के लिए हो गया होगा ये युद्ध समाप्त, किंतु मेरे लिए ये युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। कोई परास्त नहीं कर सकता महानतम वाली को, किंतु लंकेश, आपके भेजे हुए तुच्छ असुरों, कुटिल विप्र और निस्तेज मायावी अस्त्रों के कारण ये सब हुआ है। क्यों किया आपने ऐसा लंकेश? क्यों किया? आपके कारण समस्त प्रजा के समक्ष अपमान हुआ है मेरा। आपके कारण महानतम वाली हास्य का पात्र बना है। क्यों किया आपने ऐसा लंकेश? क्यों किया? मूर्खता मत कर, मत करिए महानतम वाली। ये आपका भ्रम है। भ्रम? आपने उस कुटिल विप्र को मेरी सहायता करने के लिए भेजा था या उस मरकट को शक्तियाँ लौटाने? यदि वो कुटिल विप्र उस समय वहाँ नहीं पहुँचता तो उस मरकट का अंत कर चुका होता मैं। किंतु कचोट रहा है मुझे भिक्षा में मिला हुआ जीवन। चूल से चुभ रहे हैं उस प्रजा के नेत्र जिनके समक्ष हास्य का पात्र बना मैं। मेरे हृदय को भेद रहा है उस मरकट का गर्भ से उठा हुआ मुखड़ा, उसकी जय जयकार। निराशा किसी को भी तोड़ देती है महाराज महानतम वाले, और आपने ही तो कहा था युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। युद्ध तो समाप्त होगा उस मरकट की मृत्यु के साथ ही। वो मरकट अभिशाप बन गया है हमारे लिए। अभिशाप? अभिशाप, हाँ अभिशाप। वरदानी शक्तियों की काट बन सकता है अभिशाप।
अभिशाप, ये क्या कह रही हो बेटा? अभिशाप, सत्य कह रही हूँ। शाप दिलाए, यदि एक बार हनुमान को शाप मिल जाए तो वो किसी भी कार्य का नहीं रह जाएगा। किंतु सारे के सारे ऋषिवर उसके प्रशंसक है, कौन देगा उस वानर बालक को श्राप? ऋषि दुर्वासा, मरकट को श्राप दिलाया जा सकता है ऋषि दुर्वासा से। ऋषि दुर्वासा, महाराज बाली आपको ज्ञात भी है ऋषि दुर्वासा कितने असहिष्णु हैं। क्षणिक आवेश भी हो जाए तो वो भयानक से भयानक श्राप दे देते हैं। इसीलिए उस मरकट को श्राप देने के लिए ऋषि दुर्वासा सर्वश्रेष्ठ है। एक बार ऋषि दुर्वासा उस मरकट को श्राप दे दे, फिर उसकी वरदानी शक्तियां होते हुए भी व्यर्थ होकर रह जाएंगी। किंतु महाराज बाले, यदि ऋषि दुर्वासा के प्रति हमने तनिक सी भी भूल कर दी तो हमें भी भयानक से भयानक दंड मिलेगा, हम संकट में पड़ जाएंगे। अब इतना संकट तो उठाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार शांत ज्वालामुखी के निकट जाने का भी कोई साहस नहीं करता, उसी प्रकार ऋषि दुर्वासा के कोप के भय से कोई मनुष्य भी उनके आश्रम के निकट जाने का तो क्या पशु पक्षी तक विचरण नहीं करते। हमारे रक्ष सैनिक ऋषियों के यज्ञ भंग किए हैं, किंतु जब वो ऋषि दुर्वासा के आश्रम के निकट पहुंचे तो दुर्वासा ऋषि यही है ना जो बड़ा हठी है। आज इसका हट खंडित हो जाएगा। प्रलयंकारी
त्रिनेत्र की भांति उपाग्नि है ऋषि दुर्वासा की। किंतु लंकेश, यदि उनके साथ तनिक भी भूल हो गई तो हम सब का परिणाम भी वही होगा जो रक्त सैनिकों का हुआ है। ऐसे ही शक्तिशाली ऋषि की आवश्यकता है उस मरकट को शक्तिहीन करने के लिए। किंतु मेरी दूरदृष्टि देख रही है कि ऋषि दुर्वासा इस समय अपने आश्रम में है ही नहीं, वो इस समय स्वर्ग में। स्वर्ग में? अच्छा है, ऋषि दुर्वासा तो देवताओं को तक श्राप दे सकते हैं, चाहे वो इंद्रदेव भी क्यों ना हो। देखते हैं स्वर्ग में क्या हो रहा है सर।